हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। पिछली दो वीडियो में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ मीनिंग। फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। जो अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है और जो रिलेशनशिप बनता है इम्प्लॉयज का वो भी टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रक्चर डिसाइड करता है उसके बेस पे बनता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग इम्प्लॉयज। जो रिलेशनशिप जो बनता है वो सोशल होता है और वो इम्प्लॉयज का आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से सेल्फ अराइज होता है। ओरिजिन अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की जो रूल्स होते हैं और जो पॉलिसीज होती हैं उनकी वजह से ओरिजिनेट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। arises as a result of social interaction. जो informal organization है, employees आप जब काम करते हैं एक साथ, तो उनका एक बीच में एक relationship arise होता है. Social interaction की वजह से informal organization arise होता है. Third, authority arises by virtue of position in management. जो authority जो मिलती है formal organization में, वो मैनेजमेंट जो पोजीशन डिसाइड करता है एम्प्लॉइज की उसके बेस पे उनको अथॉरिटी मिलती है। अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर किसी एम्प्लॉय को कोई अथॉरिटी मिलती है तो वो उसकी पर्सनल क्वालिटीज के बेस पे मिलती है। फोर्थ इज बिहेवियर। इट इज डायरेक्टेड बाय रूल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज का बिहेवियर है वो रूल जो होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के उनके बेस पे काम करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो सेट बिहेवियर पैटर्न। इसमें कोई बिहेवियर का कोई पैटर्न नहीं होता है कि कौन किसके साथ किस तरह का बिहेवियर करेगा, यह फिक्स नहीं होता है। इसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से इम्प्लॉयज एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। फिफ्थ इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। जो कम्युनिकेशन जो होता है वो स्केलर चेन के थ्रू होता है, मींस टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट तक जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट थ्रू ए प्लान्ड रूट। जो कम्युनिकेशन है वो एक प्री डिसाइडेड रूट के हिसाब से नहीं होता है। इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। यह किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट से कोई जो कम्युनिकेशन है, अगर टॉप मैनेजमेंट का लोअर मैनेजमेंट से कोई अच्छा रिलेशनशिप है तो वो डायरेक्ट उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिक्स्थ इज नेचर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर रिज्ड होता है, मींस उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो टॉप मैनेजमेंट ने प्री प्लान किया है, डिसाइड किया है, उसी के बेस पे सारे जो है वर्क पूरे किए जाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है, जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल होता है, मींस इनफॉर्मल ग्रुप चाहे तो उसमें चेंज कर सकता है। सेवंथ इज लीडरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स लीडर का रोल करते हैं, मींस जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो टॉप पर रहता है और जो लोअर मैनेजमेंट है वो लोअर पे ही होता है, मींस जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स। इसमें मैनेजर्स लीडर हो भी सकते हैं, मींस हो सकता है कि कोई ऑर्डर मैनेजर से मिला हो, या फिर हो सकता है कि कोई पैरेलल जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉई उन्होंने आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करके किसी काम को पूरा करने की
बारे में सोचा हो, तो इसमें हो सकता है कि मैनेजर लीडर हो या फिर हो सकता है ना भी हो। दे आर चूजन बाय द ग्रुप, यह ग्रुप के द्वारा चूज किया जाता है कि जो लीडर है वो कौन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।